अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अरबी और चिकन का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सादा सा और बहुत ही सिंपल सी आज ये रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में। जितना भी घर में सामान वगैरह होता है उसी से हम इंशाल्लाह आज इसको बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ली है अरबी आधा किलो, चिकन मैंने लिया है एक पाव, दो अदर टमाटर लिए हैं जिनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, छिलका इनका उतार लिया है, प्याज लिए है प्याज को भी बारीक कटिंग कर लिया है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरा धनिया है, बस ये सब सामान हमने ले लिया है। अब मैं अरबी को छील लेती हूँ। अरबी को बहुत अच्छी तरीके से पहले मैंने वॉश किया है, वॉश करने के बाद मैंने इसको छील लिया है। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है, इस तरह की से सारी हम लोगों ने साफ़ कर ली है। तो चलिए अब पकाते हैं हम इसको। एक मैंने पैन ले लिया, पैन में मैंने दो चम्मच ऑयल डाल दिए, उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है। ये प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, इसमें लहसुन अदरक डाल दिया। लहसुन अदरक को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और लहसुन अदरक के अंदर चिकन शामिल करने लगी हूँ। चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और अब देखिए चिकन को मैं हल्का सा गोल्डन करूँगी और चिकन को मैं बाहर निकाल दूँगी। फिर इसी तेल के अंदर हम लोग अरबी को फ्राई करेंगे। जी हाँ, अरबी को फ्राई करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका टेस्ट, और जो है अरबी जो है हमारी बहुत जल्दी गल भी जाएगी। ये देखें अरबी मैंने ली है और अरबी को मैं फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और बाहर निकाल देंगे। फिर उसी पैन में हम लोग टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को मैंने कटिंग कर लिया था, छिलका इसका उतार लिया था, तो इससे छिलका उतारने से बहुत ही सॉफ्ट सा इसका जो है मसाला तैयार हो जाएगा। हल्दी डाल दूंगी इसके अंदर, नमक डाल दूंगी इसके अंदर, लाल मिर्च का पाउडर है ये भी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, और साथ ही धनिया पाउडर है वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसी तरीके से अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका बहुत ही सॉफ्ट सा जो है हम मसाला इसका तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा देखें मसाला तैयार हो गया हमारा। और अब इसके अंदर मसाले के अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। और ये चिकन को हम फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर मसाले के साथ भून लेंगे। चिकन भी डाल दिया इसमें हमने, अरबी भी डाल दी इसके अंदर। देखें कितनी मज़े की ये रेसिपी तैयार हो रही है। और इसके अंदर अब हम पानी डाल देंगे। पानी डालकर इतना छोड़ेंगे हम इसको जितना हमारी अरबी और चिकन गल जाए, और तकरीबन भी 15 से 18 मिनट लगेंगे इसको गलने में। और जैसे ही गल जाती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये हमारी जो अरबी है कितनी मोटी है, और जो है और ये मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, ये कितनी सॉफ्टली ये कट गई है। इसका मतलब हमारी अरबी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। धनिया डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसके ऊपर, और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार अरबी और चिकन का सालन जो है तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। वाओ, टेस्ट आ गया।